35,000 ईआर होगा, ये कलर हो गया एजीबी का, ये कलर है, ये कलर है। सो ये देखिए गाइस केवाईटी का कार्बन फाइबर में, ये विंटर एंड वाटर प्रूफ है। ओके, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना कॉस्टली हेलमेट खरीद रहा हूँ। अगर किसी को ये वाला समझ में आता है ना, ये मंगवा लीजिएगा, ये बहुत ही यूनिक है। कार्बन फाइव आर सी 390 ये सब के लिए, मतलब MT15 ये सब, यही हेलमेट प्रीफर करते हैं पूरा यंग लड़का लोग जो कोई भी है। सो है माय यूट्यूब पीपल्स, इसमें चावली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई जा रहे हैं एक नई से हेलमेट खरीदने, क्योंकि ये वाला जो हेलमेट है ना, ये हेलमेट काफी पुराना हो चुका है। ऑलमोस्ट अपना इस हेलमेट को 5 ईयर्स तक पहन लिए है, और ये जब मैंने लिया था ना, ये था अराउंड 1500 रेंज का। सो ये वाला हेलमेट को अभी टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है, और जा रहे हैं टुवर्ड्स कॉमरेड पिट स्टॉप, देखते हैं कुछ अच्छे हेलमेट लेने के लिए। थोड़ी सी अपनी राइडिंग गियर्स में अच्छा इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो हेलमेट जो है अपना मेन फैक्टर होता है, इसलिए इस बार हेलमेट थोड़ी अच्छी वाली, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी अच्छी वाली हेलमेट लेने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपने कॉमरेड पिट स्टॉप में। सो गाइस अपने पहुंच चुके हैं कॉमरेड पिट स्टॉप, सो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। कोई भी नई चीज़ लेने के हो ना, एक्साइटमेंट अलग ही होता है, मतलब क्या बोलो। सो गाइस आज कॉमर्स पेट शॉप का जो स्टाफ था विश्वजीत दा, वो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये भैया हैं, इनसे ही अपना देख लेते हैं हेलमेट। सो गाइस ये देखिए कितना वेराइटीज ऑफ हेलमेट, देखिए इस तरफ, इधर भी, इधर सारा प्रीमियम सेगमेंट, इधर भी देखिए, है ना। और सिर्फ आपको हेलमेट नहीं, यहाँ पे आपको जैकेट, राइडिंग जैकेट, सारा कुछ अपने को मिल जाता है। सो चलिए अपना जो हेलमेट देखने के लिए आए थे, पहले देख लेते हैं। सो गाइस अभी जैसे मुझे भैया ने बलकलावा दिया है पहनने के लिए, और भैया को पूछा था भैया क्या क्या ब्रांड का हेलमेट इधर मिल जाएगा अपने को। इधर आपका ये एचबी मिल जाएगा, मिल जाएगा, ओके, और ये केवाईटी मिल जाएगा, मिल जाएगा, एसएनटी मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। सो मेरा जो बजट है, मैं बता देता आपको, मेरा जो बजट है वो है 10K। सो 10K के अंदर आप मुझे क्या हेलमेट सजेस्ट करेंगे? 10K के अंदर ये आपका केवाईटी टीटी गोल्ड देख सकते हैं 7.9 में, ओके, और ये आपका 10,000, ये थोड़ा कॉस्टली आएगा, 7,000 आपका रेंज में, 7,000 आ जाएगा, 10,700 ये एलएसटी का है, ओके, और 5,000 में आपका एक जो है, ओके, एसएमके है, देख लीजिए ये आपका एसएमके है 5,150, ये एक जो है 5,000 है, और 6,500 में ये एक जो का जो का मिलेगा आपको। ओके सो ये ग्राफिक्स भी काफी कूल ग्राफिक्स है हेलमेट में, 6,500 ना। सो एक्सोर में भी बहुत सारे कलेक्शन है आपके पास, तो आप मेरे लिए अंडर 10K केवाईटी एक बता रहे हैं और फिर एलएस तो बता रहे हैं, लेकिन 10,000 के थोड़ा पार जा रहा है, 700 पार जा रहा है। ओके सो ओके गाइस अपने देख लेते हैं, जैसे एलएस तो का बता रहे, तो ये एलएस तो का ये दिखा दीजिए, एल साइज है ना ये, इसका कलर मिल जाएगा, इसका कलर ये सारा कलर है ना। ओके तो इसमें जैसे अपना डबल ग्लासेस है, ड्यूअल ग्लासेस है ना, ये देखिए गाइस। और केवाईटी टीटी कोर्स में ड्यूअल वर्जन है, ये ड्यूअल वर्जन नहीं आएगा, ओके, तो उसका प्राइस भी तो कम है, 7,900, लेकिन ये डिफरेंट है ना, थोड़ा इंपोर्टेड है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। इसमें केवाईटी में डबल वर्जन मिलेगा आपको, NFR मॉडल में मिलेगा, NFR में, NFR मॉडल थोड़ा कॉस्टली आएगा, 14,400, 13,000। ओके ये भी ग्राफिक्स काफी कूल लग रहा है, ये भी ग्राफिक्स देखिए गाइस मस्त लग रहा है ना। सो गाइस इधर मेरा दोस्त भी आ गया है, मुझे सजेस्ट करने के लिए कौन सा हेलमेट अच्छा लगेगा, मुस्ताफ हो जाऊंगा, थोड़ा देर बाद पीऊंगा इसे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, देखने में मैंने जैसा भैया मुझे सजेस्ट कर रहे थे, उसी में मैंने केवाईटी का ये वाला और फिर ये वाला निकाले हैं। ये थोड़ा अलग ही डिजाइन आया है, ये किसी का कॉपी है शायद ना भैया, ये किसी का कॉपी है, नहीं ग्राफिक्स कॉपी है, केवाईटी तो केवाईटी है मेरे, लेकिन ग्राफिक्स किसी का कॉपी होगा, कोई अच्छी ब्रांड का होगा। तो देखिए गाइस ये वाला ग्राफिक्स काफी मस्त आया है, सबसे बढ़िया चीज क्या है इस हेलमेट में, काफी लाइट वेट है, पहना हुआ तो एल, लेकिन हल्का सा लग रहा है कि सर में थोड़ा सा लूज लग रहा है, इधर भी हल्का सा लूज है। सो आपने ये दूसरा वाला डाउन वाइजर वाला भी टेस्ट करते हैं, LS2, इसको फिटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखेगा इसका भी फिटिंग काफी अच्छा लग रहा है, मतलब केवाईटी से मुझे जो लूज लग रहा था इसमें उतना लूज नहीं है, और हेड के ऊपर भी अच्छी तरह से पता हुआ है बलकलावा पहनते हुए। सो गाइस अपना हेलमेट सेलेक्ट हो चुका है, वो जो हेलमेट मैंने सेलेक्ट किया है वो किसी ने मुझे सजेस्ट किया है, ये दोनों ने तो सजेस्ट किया ही है, लेकिन उसी कंपनी को और एक भैया ने मुझे सजेस्ट किए थे, क्योंकि मैंने उनको टेक्स्ट किया था, तो उन्होंने भी बताया कि वही वाला लो, तो कौन सा लिया वो आपको लास्ट में बताता हूँ, अभी चलिए आपको इस स्टोर का टूर करवाता हूँ। तो भैया अभी हम लोग को लेके जा रहे हैं ऊपर की ओर, जूता पहन के आ जाऊँ। सो ये देखिए
ऊपर फुल राइडिंग जैकेट की कलेक्शन है, बीबीजी हो गया, स्काला, ये सारा कुछ। ये क्या है, अल्पाइन स्टार का है क्या? ये अल्पाइन स्टार का है, पीसी है। एक पीसी अल्पाइन स्टार का है। देखिए किसी को अगर पसंद लगता है तो आके ले सकता है। कितना है इसका प्राइस भैया अल्पाइन स्टार का? अल्पाइन स्टार का ये प्राइस सीनियर से पूछना पड़ेगा। सीनियर से पूछना पड़ेगा क्या? और बाकी सबका ऐसे स्टार्टिंग कितना तक है जैकेट यहाँ से? स्टार्टिंग आपका 6000 से शुरू होगा। ये आपका सोलेस का ये एआर जैकेट है, ये 6000 है। ये 6000 है ना स्टार्टिंग प्राइस? ये स्टार्टिंग प्राइस है। इसमें लाइनर और मतलब वार्म लाइनर और रेन लाइनर दोनों आ जाता है? इसमें रेन लाइनर मिल जाएगा, विंटर लाइनर नहीं मिलेगा, और सेस प्रोटेक्शन नहीं। सेस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ लेवल 2 प्रोटेक्शन ही, लेकिन सेस प्रोटेक्शन नहीं। फिर उसके ऊपर फिर इसका सोलेस का और एक आता है 7900 का, वो नया जो आया अर्बन ना क्या कुछ ऐसा नाम था, क्या है ये? सोलेस राइवल है, राइवल राइवल वर्जन 2 है। ओके, इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर, चेस्ट प्रोटेक्टर, रेल लाइनर, शोल्डर और ये एल्बो सब कुछ, सारा कुछ मिल जाएगा इसमें। और ये 7900 का, ये नया है गाइस। तो आप लोग अगर देखे कोई अगर मीडियम मतलब बेस्ट रेंज में अगर लेना चाहते हैं ना, विद रेन लाइनर, विंटर लाइनर, इवन चेस्ट प्रोटेक्टर लेवल 2, सब कोई जितना आर्मर है सारा कुछ लेवल 2 में ये वाले जैकेट मिल जाएगा। इसमें आपको जैसा ये नियॉन का है, इसमें ग्रे कलर का भी आपको मिल जाता है। और एक है 7000 में। ओके, ये 7000 का है, ये भी है, सोलेस राइवल ही है, पहले वाला जो मॉडल है, ये वर्जन 2 है, ये पहले वाला मॉडल है, ये भी सोलेस राइवल है, ये इसका में ये विंटर लाइनर, रेड लाइनर और सब कुछ लेवल में, और बाकी बहुत सारा है। आप लोग को अगर मैं बताने जाऊँ ना, लंबा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये स्काला का कितना आता है भैया? स्काला 2 मॉडल है, ये मार्बल मॉडल है, ये आपका 7000 आएगा। ओके, और ये थंडर एक्टिव है, थंडर है, ये 9400 ऐसा कुछ है क्या? ये स्काला का सेम थंडर वाला वर्सन मैं खुद पहनता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, यही स्काला वाला वर्सन मैं पहनता हूँ। मैं जब लिया था अराउंड 10,000 समथिंग कुछ ऐसा ही कुछ था, उसमें भी सारा कुछ इंक्लूडेड है और थोड़ा हैवी भी है। ये जैसा 700D मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन ये 600D का है, स्काला से 600D का है। सोलेस का ये जो नया वाला वर्सन आया ना, ये सारा कुछ 700D का है। वायटरा का भी प्राइसिंग कितना से स्टार्टिंग होता है? वायटरा का एक पीस है, इसका प्राइस मेरे को मालूम नहीं है, सुनो 20,000 का बोल। जैकेट राइडिंग पेन भी अवेलेबल है, सारा कोई का राइडिंग पेन मिल जाएगा, DSG और सोलेस का मिल जाएगा। और गाइस अगर अपने ये नीचे आते हैं, सो नीचे आप आते ही देखिएगा, इधर राइडिंग शूज भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ये शायद ओराजो का है, ओराजो का है ना भैया, ओराजो, सोलेस, बीबीजी, ये सारा कुछ का राइडिंग शू आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल जाएगा। ओराजो का कितना करके आता है? ओराजो का 4,900 से शुरू होगा। 4,900 और ये वाटर रेजिस्टेंस है ना? ये वाटर रेजिस्टेंस। और ओराजो में वाटर प्रूफ भी आता है? वाटर प्रूफ भी आता है। तो वाटर प्रूफ का थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है ना। ओके, सो देखिए गाइस, राइडिंग बूट्स एंड हेलमेट स्टार्टिंग कितना प्राइस से आता है यहाँ पे? हेलमेट स्टार्टिंग प्राइस आपका ये फुल प्रेस लेने से 5,000 और हाफ प्रेस लेने से 2,700। ओके, फुल 5,000 से स्टार्टिंग है और हाफ कितना? 2,700। ओके, और ये एक्सिस सबका कितना प्राइस है? एक्सिस हेलमेट, एक्सिस, हाँ, अच्छा मैं लेने जाएंगे तो 5,000 जो कि एक्सोर का आता है। और फिर इधर मैं देख पा रहा हूँ, इधर आपका देखिए ये यारो का है गाइस, ये देखिए यारो का, और इधर AZB, ओ माय गॉड। सो ये यारो का प्राइस कितना भैया? 35,000 है। तो ये गाइस देखिए 35,000 यारो का, मस्त है ना। सो ये कार्बन फाइबर है भैया? कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर नहीं है, 35,000 में कार्बन फाइबर नहीं है। ओ, सो और वो AZB, AZB ये K1 है, ये 25,000 का है। ये देखिए गाइस AZB K1 कलर भी मिल जाता है ना ये सब में, ये कलर हो गया AZB का, ये कलर है। और अगर चाहते हैं तो आपको देने से भी आप लोग मंगवा देते हैं ना। सो ये सब K1 सब 25,000 का, 35,000 ये 35,000 में। देखिए वो नियॉन था, वाइट विथ नियॉन एंड पर्पलिश था, ये आपका ऑरेंज है, थोड़ा ग्रे है। ये देखिए ये KYT का कार्बन फाइबर है क्या? नहीं ये भी नहीं है, ये NFR है, ये हो गया था KYT का कार्बन, हाँ कार्बन फाइबर यही है, NXS। कितना करके आता है इसका प्राइस? इसका प्राइस 30,000 जैसा कुछ होगा। इसका 29,500 किधर लिखा है? ओ ये देखिए 29,500। सो ये देखिए गाइस KYT का कार्बन फाइबर में। सो गाइस कॉमरेड्स पीस शॉप में आपको अगर देखिए प्रीमियम हेलमेट चाहिए तो प्रीमियम हेलमेट है।
फिर इधर आकर अगर आपको गौर फरमाएंगे तो इधर भी आपका पूरी डार्ट हेलमेट है, ये अपना क्या बोलते हैं इसे, डार्ट बाइक के लिए स्पेशली बना ऑफ रोडिंग हेलमेट। या सो देखिए ये ऑफ रोडिंग हेलमेट है, फुल्ली कलेक्शन है ऑफ रोडिंग का। कितना करके है यहाँ पे प्राइस? ये आपका ये 7900 ऐसा आएगा। ओके, यूरो का 15000, यूरो का 15000, केवाईटी का 7900 और ये एल एस टू का ये साइज 9000 समथिंग का है। ओके देखिए, तो देखिए गाइस एल एस टू का भी आपको मिल जाएगा, यारो ये यारो और फिर इधर के वाई टी का। सो क्या के वाई टी आपका स्टोर में मिलता है क्या ऑल ओवर गुवाहाटी में? के वाई टी का डीलरशिप आपका लिया हुआ। सो भैया का बताने का बात है, के वाई टी अगर हेलमेट आपको लेना है तो आपको कॉमर्स पिक्स भी आना पड़ेगा, अपना मतलब भैया का डीलरशिप लिया हुआ है। चलिए बढ़िया, इसलिए मैं इतना सारा के वाई टी का रेंज देख के मैं पूछ लिया आपको, क्योंकि के वाई टी बहुत सारा है। टी टी कोर्स तो सबसे बेस्ट हेलमेट है इन बेस्ट सेगमेंट, बेस्ट हेलमेट है ये। और फिर इधर अपने को राइडिंग ग्लव्स भी मिल जाता है, राइडिंग ग्लव्स राइडा का है, वायटारा का भी है। ओके, ये राइडा का 2950 ये विंटर एंड वाटर प्रूफ विंटर। ओके, दिस इज वाटर प्रूफ। देखिए गाइस, सो वाटर प्रूफ है तो अभी के लिए बेस्ट है लेना ही है, और विंटर भी है मतलब ठंडी के टाइम में भी इसको आप चला सकेंगे। सिंगल वाटरप्रूफ नहीं आता है, विंटर एंड वाटर दोनों ही होता है। ये भी विंटर एंड वाटरप्रूफ है, ट्रैक का ये, लेकिन लॉन्ग स्लीव हो गया ना। सो गाइस, और इधर आपको पहले मैंने दिखाया दिया था केवाईटी का फुल रेंज, अगर किसी को ये वाला समझ में आता है ना ये मंगवा लीजिएगा, ये बहुत ही यूनिक है और ये सबसे बेस्ट टॉप सेलिंग है केवाईटी का, जितना तक मुझे मालूम है टॉप सेलिंग है केवाईटी में। टीटी कोर्स में ये जो कलर है ना, मतलब हर एक आपको दिख जाएगा, R15 RC390 ये सब के लिए, मतलब MT15 ये सब यही हेलमेट प्रीफर करते हैं पूरा यंग लड़का लोग जो कोई भी है। हमारा सबसे ये बहुत शर्म है, सबसे ज्यादा सेलिंग से है मतलब, और ये पूरा रेक केवाईटी का ही है शायद। हाँ, पूरा रेक केवाईटी का है। सो गाइस, अगर आप लोग को भी कॉमर्स स्पीड शॉप में आके कुछ खरीदना है तो आ सके, लार्ज वैरायटीज ऑफ हेलमेट्स, राइडिंग जैकेट बहुत सारा मिल जाएगा और डिस्काउंट भी तो है भैया, डिस्काउंट भी तो है, किसी में फिक्स नहीं है, मतलब किसी में फिक्स नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, फिक्स प्राइस ही है, बट भैया लोग क्या करते हैं डिस्काउंट करके देते हैं। ओके, और वीडियो को मतलब आपको मेरा हेलमेट दिखाने से पहले मैं और एक चीज में आपको नजर डालना चाहता हूँ, जैसे ऑफ रोडिंग में देखे ये बहुत जरूरी होता है, और इसका एक एक का प्राइस कितना आता है इसका? 3700 है ना। सो अभी अपना आते हैं अपने हेलमेट की ओर, तो कौन से वाले आपने सेलेक्ट किया है? अगर आप लोग को मालूम पड़ गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अभी कमेंट करके बता दीजिए कि ये वाला सेलेक्ट किए हैं, शायद इतना तो समझ में आ गया होगा जब मैंने पहले पहन के दिखाया था। तो गाइस चलिए दिखाता हूँ, सो अपना जो हेलमेट सेलेक्ट किया है ये वाला, देखिए ये। सो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा आप लोग, ये वाला अपना सेलेक्ट किया है, क्यों सेलेक्ट किया ये वाला आपके टीटी कोर्स हेलमेट। अगर मैं वो भैया का नाम बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मयूर महंतो को पहचानते हैं तो मयूर महंतो भैया ही है जिनको मैंने पूछा था कि मुझे एक सेगमेंट में अच्छी 10K सेगमेंट में मुझे हेलमेट चाहिए, तो भैया ने मुझे बताया कि अगर आप लेना चाहते हैं 10K सेगमेंट में तो आप केवाईटी का टीटी कोर्स देख लीजिएगा, वो बेस्ट हेलमेट है अंडर 7900 रेंज में, बेस्ट से बेस्ट हेलमेट है, और वो खुद भी प्रीफर करते हैं और वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं सेम हेलमेट। सो इसलिए मैंने भी बहुत सारे ट्राई करने के बाद LS2 भी मुझे अच्छा लगा, 10700 है तो और इसी बजट ऊपर जा रहा है, लेकिन LS2 भी बेस्ट है LS2 में, लेकिन 10700 अगर आप पे करके लेते हैं ना उसी तरह आपको और ज़रा कुछ मिलता है, जैसे आपको ड्यूल फाइजर मिल जाता है कि नहीं, एंटीफोक नहीं मिलता है ना, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इवन एंटीफोक आपको इसमें भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, टीटी कोर्स में एंटीफोक इनबिल्ट नहीं है, और इसमें आपका जैसा इसमें आपका ड्यूल फाइजर भी नहीं है, ड्यूल फाइजर का अपना इतना ज़रूरत है भी नहीं, अपने एंटीफोक जब विंटर का समय होगा तब अपना एंटीफोक फिट कर लेंगे, तब सोचा रहेगा, अभी टाइम है विंटर आने का, बहुत टाइम है, और तीन महीना तो है और विंटर आने में। और ये वाला कलर इसलिए लिए हैं क्योंकि अपना जो बाइक है आप देखिएगा, मेरा बाइक है ESD एडवेंचर, ब्लैक है उसमें, ग्रे है उसमें और रेड है, बट एग्जैक्ट ये वाला रेड नहीं है, हल्की सी मैट रेड है, थोड़ी सी चॉकलेटी रेड है। सो इसलिए मैंने ये हेलमेट प्रीफर किया, मैं पहन के वीडियो आपको दिखाऊंगा, मैं पहन के आपको वीडियो दिखाऊंगा, बाइक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आप लोग बताइएगा मुझे। तो
जरूर से बताइएगा, आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, कमेंट कर दीजिएगा। गाइस, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना कॉस्टली हेलमेट खरीद रहा हूँ, 7900 जो कि मुझे डिस्काउंट करके 7400 जैसा पड़ा मेरे लिए। लेकिन कहाँ मैं 1500 का हेलमेट पहनता था और कहाँ अभी मैं 7900 का पहन रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत भारी वाला खर्चा ही है। लेकिन जो भी हो, सेफ्टी को अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आजकल अपना राइड कर रहे, छोटे छोटे राइड भी कर रहे, इवन धीरे धीरे अपने लॉन्ग राइड भी करेंगे, तो खोल लेते हैं उसे। सो धीरे धीरे अपने लॉन्ग राइड भी करने वाले हैं। अगर आप लोग में से कोई भी अगर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है राइड में, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अपना यहीं पर रखते हैं। गुवाहाटी का कॉमर्स पिच शॉप कौन नहीं पहचानता है, सारा कोई पहचानता है, जिसको भी जैसे भी हेलमेट चाहिए वो सारा कोई पहचानता है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, विश्वजीत दा तो अच्छा है ही, लेकिन ये वाले भैया भी काफ़ी अच्छा है। इनको तो मैंने आज फर्स्ट टाइम मिला है, काफ़ी अच्छा है, वो लोग सजेस्ट करते हैं, अच्छी सजेस्ट करते हैं। इस वीडियो को अपना यहीं पे रखते हैं। अगर अच्छा लगा या फिर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ हिट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं राइडिंग के रिलेटेड, आप वीडियो देख के पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप राइडिंग। एनी आप गाइस, जो भैया मेरे साथ वीडियो में थे, जिन्होंने पूरे स्टोर के बारे में बताया है, वो भैया फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हैं, तो वो थोड़ा हैसियत था, मतलब वो उतना खुल नहीं पा रहे थे वीडियो में। हो सकता है कहीं कुछ गलती भी बोले होंगे, मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए होंगे, तो आप लोग मतलब उसको ख़राब मत पाइएगा। या फिर मान लीजिए अगर रेट का थोड़ा आप लोग अगर आके अगर थोड़ा रेट का ऊपर नीचे भी मिले ना, तो आप लोग आर्ग्यू मत कीजिएगा, क्योंकि भैया क्या है, आज विश्वजीत दा है नहीं, उनको ही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब वही सारा कुछ जानते हैं। तो भैया जो है ना, भैया इतना नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते, क्योंकि सारा कुछ का एक साथ आइडिया रखना इतना सारा प्रोडक्ट में नहीं मालूम है कि नहीं भैया। सो इसलिए आप लोग अगर मान लीजिए वीडियो देख के बता रहे कि नहीं वो वाला भैया ऐसा बताए हैं, आप यहाँ पे दाम ऐसा बताए, तो देखिए फर्स्ट टाइम है, हमको भी माफ़ कर दीजिएगा, उनको भी माफ़ कर दीजिएगा। प्राइसिंग के रिलेटेड बाकी सारा कुछ ठीक ही बताए हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।